We bring you the lives of three uniquely brave and sensitive women. Women who dare to ask themselves the question, why can't I? Ratni Bai, a lady who, despite being illiterate, has become an unparalleled leader to hundreds of women and children in her district. जब हमारा शरीर जीवन सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो, लेकिन 9 साल में मैं भगवान को उपवास ही कर रही हूँ। 10 साल में मैंने शादी कराई थी, मैं मार पीट कर तो मैंने सुख नहीं जुड़ा, जिसे मैंने वहाँ भागी मैं हम चाहे मैं चमड़ी में चमुनी रहूँ बे, ससुराल में मैं मजदूरी की थी, पति भी घर में कहीं नहीं लाते, वैसे हम धंधो भी ठीक नहीं करते, सास भी घर में सही साथ नहीं रखती, ससुरा भी बढ़िया मुनि रहता, तो जो मैंने घंटा ला गया एकदम मैं क्यों पे मुनि रहूं। मत रो बेटा मत रो, दूसरी शादी करनी कोई नहीं, दुख सुख जो भी मन लो हो जो मन गयो, नसीब में लिखे तो को हो जो मन गयो। एक बार जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर कीरखेड़ा में आए थे तो रत्नी भाई मिली और रत्नी भाई से बात की, भाई आप हम लोग ऐसे गठ संस्था महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, तो रत्नी भाई वहाँ पर हथियाना में हमारे बैठक थी उसमें भाग लिया था, तो बैठक के पश्चात रत्नी भाई को लगा कि नहीं मुझे भी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए और मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाओ ना, हमारे घर का काम बहुत है, करता हूँ घर का काम तो हो जाएगा, इसको पढ़ाओ तो ये बड़ा होकर कुछ कर सकेगी। रत्नी भाई तरस में अपने चित्तौर मीटिंग में आती तो उन्हें जानकारी दी, छोटे छोटे बच्चे बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं जाता है स्कूल तो इसको भेजो। पहली बार हमारे गांव में स्कूल नहीं हो तो मैं सभी औरता पंचायत में गई, सरपंच बातचीत की थी तो सरपंच साहब क्यों भाई आपके गांव में ना 8 साल में स्कूल खुल जाए। जब स्कूल का काम चल रहा था रत्नी भाई खुद आए और निरीक्षण किया तो वो नकली माल मटेरियल काम में ले रहा था, तो फिर रत्नी भाई ने उनसे तकरार की और फिर उसने माफी मांगी, उसने बोला कि अब मैं सही करूंगा काम और फिर ये स्कूल बन चुका। इसी तरह से जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नर्स अनियमित रूप से आते हैं, तो फिर समूह की महिलाओं के माध्यम से उनसे बात की तो नर्स को लगा कि इतने गांव की महिलाएं हमारे साथ आई हैं तो मैं इनकी बात माननी चाहिए। ये पेड़ जिसके नीचे हम बैठे हैं रत्नी भाई बच्चों और मिल के लगाया, नहीं तो हमारे गांव में ऐसी हरियाली कैसे होती, बच्चे बहुत खुश है। और समूह बनाकर उनको बैंक से जोड़ा, माँ के लोन दुआया, बहुत फायदा किया रत्नी भाई ने। ग्रामीण क्षेत्र में काम की दो जिन्हें लोगों ने सम्मानित की दी, स्विट्जरलैंड मैंने अशान एक तोटे लगाओ बेच दी दो, अशान $500 इनाम में दी, मैंने कट्स वाला बटे चित्तौड़ भी बोले सम्मानित समारोह की दो, बोले भरिया पंचा में एक कागज को छूतियो भी हो लेकिन मान सम्मान मेरो सावे। This is the story of a little girl who pursued her education despite social prejudices and a lack of full-fledged school. Kadai padai nahi chhod di, kitab nahi chhod di, pani piyan ko jeevan ko koi nahi, sirf padai padai. Shuru se iska swabhav tha na, wo padai ki taraf zyada tha. Isne 5th pass kiya to hamare ek samasya aa gayi, nazdeek mein higher secondary ya middle class ki school nahi thi. To fir maine aage prosan diya ki bhai aap padhai jari rakho, bachchi hai to kya hua. Fir 12th mein maine district top kar liya to fir papa ne kaha ki bhai ab graduation nahi karwayenge. तो फिर मामा जी ने पापा को समझाया कि है ना बच्चा जब घर बैठ जाता है तो उसकी पढ़ाई से कंटिन्यूटी टूट जाती है उसकी, आप इसको रेगुलर पढ़ाओ, तो फिर रेगुलर तो रहने की जगह थी नहीं इसलिए मेरे को गवर्नमेंट हॉस्टल है वहाँ डाल दिया, वहाँ मैंने 3 साल रखी, ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया मेरा। NGO को टेंडर मिला, उन्होंने कहा शिक्षा कर्मी की जरूरत है। शुरू शुरू में जब ये स्कूल में मैं आई थी या मैंने ज्वाइन किया तो 8 महीने में अकेली स्टाफ थी, गाँव गाँव में ढाणियों में जाके इसने बुजुर्ग लोगों से संपर्क किया कि भाई तुम्हारे घर में कितनी लड़की है, फिर उन लोगों को समझाया। पक्का पढ़ाना नहीं चाहते, वो कहते थे क्या है कैसी स्कूल है, लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, ये तो बकरी चलाएगी, तो उनकी मानसिकता की लड़की पढ़ लिख के क्या सर्विस कर लेगी, नहीं तो पढ़ाने का क्या मतलब। सीमा जी आवता रहता हम जाता रहता, मैंने भी आप उठे भेजो और लड़के व्यवस्था है बढ़िया पढ़ाई करी, जो कोई तकलीफ होती बुखार आओ तो आप आते आते आवता दवा दी आवता, मोटरसाइकिल पर भी ले जाता था। मैडम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इंग्लिश और संस्कृत मुझे साथ में पढ़ाते थे, अब इंग्लिश और साइंस पढ़ाते हैं 8वीं में, और खाने की देखभाल सोने का बिस्तर वगैरह सब की सुविधा। मैं खुद शुरू से को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा भाग लिया, तो मेरे को खेलने का बच्चों को कुछ नया सिखाने का ताकि उनका मन लगा रहे, उनको डांस गाना कंप्यूटर चलाना साइकिल सिखाना खो खो कबड्डी ये सब नई हर दिन नई चीज़ सिखाना बच्चों को। सीमा जैसी पढ़ी लिखी मेहनती और जुझारू छात्राएं
इसी तरीके से प्रोग्रेस करेगी तो मर्दों को भी पछाड़ देगी, और इससे एक नारी सुधरने से पूरा परिवार और समाज ही नहीं पूरा देश तरक्की की ओर अग्रसर हो जाएगा। भारत माता की जय। कई साल बरसात नहीं हुई थी, बिल्कुल तालाब खाली थे, सारे कुएं सूखे पड़े थे, इसलिए पानी नहीं था। जो व्यवस्था थी सरपंच साहब ने करवाई। Chavi Rajput runs a riding school and a boutique hotel in Jaipur, the capital of Rajasthan. This remarkable 30-year-old has chosen to leave behind corporate glamour and a comfortable city life to head back to her ancestral village, Soda. This is my village. I mostly live here now that I'm the sarpanch. I love coming back here every time. मुझे किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ा, आप सब एकत्रित हुए, आप सब एक साथ आए। गांव के खास 25-30 आदमी आए और उन्होंने कहा कि साहब आपकी ग्रैंड डॉटर छवि राजवत को हम सरपंच बनाना चाहते हैं। सभी गांव का ये उद्देश्य है कि पहला पानी का स्रोत रोकना, दूसरा रास्ता दुरुस्त कराना, तीसरा पौधे लगाना। अभी सबसे पहले तो पूरे तालाब को 5 फीट खुदवाया है, इसके जल स्तर सबका बढ़ जाएगा, हैंड पंप हुए सब। वी ओनली गेट अबाउट 5 to 6 hours ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दी अदर प्रोजेक्ट दैट आई वांट टू डू ब्रिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ईच एंड एवरी हाउस इफ पॉसिबल। वर्तमान की हमारी सरपंच साहिबा है छवि कंवर राजावत, वो हमारे विद्यालय के परीक्षा परिणाम से खुश होकर के जो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के अंदर 90% या इससे अधिक के अंक अर्जित करेंगे उनके लिए 5001 का नगद पुरस्कार घोषित किया है। मैंने ऐसा सरपंच कभी नहीं देखा कहीं भी। उनकी खास बात ये अच्छी लगी कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी उनके पास जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से उनका काम कर देते हैं। द इकॉनमी ऑफ द कंट्री, यू हैव टू स्पीक एट इट, लुक एट इट इन द लार्जर पिक्चर। यू कांट जस्ट टेक वन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और ऑफ द कंट्री एंड स्पीक अबाउट इट्स डेवलपमेंट and just completely ignore the other, whereas the other is the majority, which is the rural area, which is what is 75%, maybe more, is what the country comprises of. गांव वाले विकास चाहते थे, ऐसा विकास और सरपंच नहीं करा सकते। This to me is far more satisfying. It helps me bring about change. Just be there to guide them, give them that backing. They themselves can do a lot more. Truly. Life is improving by leaps and bounds for the residents of this picturesque village. In their own ways, Ratni Bai, Seema Bishnoi and Chavi Rajput are making a visible difference to their communities. These women are truly pathbreakers. Having cast aside the mold of a typically subservient Rajasthani woman, these compassionate women continue to have a positive impact on the precious lives around them. India salutes them.